वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोमिन है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। सो जनाब, आपने अगर मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने फैट डाइट्स के ऊपर रिव्यूज करना स्टार्ट किए हैं। कल हमने जोन डाइट को रिव्यू किया था, आज जिस डाइट के ऊपर, फैट डाइट के ऊपर हमने रिव्यू करना है, उसका नाम है साउथ बीच डाइट। जी, ये बहुत ही एक मशहूर फैट डाइट है, खासतौर पर अगर हम वेस्ट की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। सो डेफिनेटली मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। सो जनाब, साउथ बीच डाइट क्या होती है और क्या करते हैं इसमें? सबसे पहले तो ये कि साउथ बीच डाइट बेसिकली एक वेट लॉस डाइट है और स्पेसिफिकली फोकस की जाती है कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स के लिए, यानी ऐसे मरीजों के लिए जिनको दिल का कोई आर्जा हो। और इसके अंदर ये कहा जाता है कि 10 पाउंड के करीब जो वजन है वो आपका फौरन से पहले जो है वो आप उसको कम कर सकते हैं। साउथ बीच डाइट के अंदर जो हम सैरशुदा चिकनाई है उसका इस्तेमाल कम से कम करते हैं, नशास्ता का इस्तेमाल हम इतदाल में करते हैं और प्रोटीन यानी लहमियात का इस्तेमाल जो है वो हम ज़्यादा करते हैं। इसी तरह से टाइप 1 और टाइप 2 के जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी कहा जाता है कि ये साउथ बीच डाइट इस्तेमाल करें। तीन फेजेस होती हैं साउथ बीच डाइट में। पहली स्टेज जिसको इनिशियल स्टेज कहते हैं, उसके अंदर बेसिकली वो 2 हफ्तों के ऊपर मुश्तमिल होती है और उसके अंदर नशास्ते का इस्तेमाल बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि हमने कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल नहीं करना, यानी हमने चपाती, चावल, आलू, ब्रेड, पास्ता, इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। और इसके अंदर उनका यह दावा है कि जब 2 हफ्तों तक आप ऐसा करते हैं तो आपका नशास्ता, खाने का जो ख्वाहिश होती है वो बिल्कुल आपकी ख़त्म हो जाती है। दूसरी जो फेज़ है वो लॉन्ग टर्म वेट लॉस स्टेज है, जिसके अंदर सारे का सारा जो फोकस है वो होल ग्रेन्स के ऊपर रहता है, यानी बगैर छने जो है वो आपने जो भी अनाज इस्तेमाल करना है वो आपका होना चाहिए और सबसे ज़्यादा इसके अंदर आपने फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना होता है। तीसरी जो फेज़ है उसको कहा जाता है ऑनगोइंग मेंटेनेंस स्टेज, और उसके अंदर जनाब भी कहते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता सारे खानों को वापस अपनी डाइट के अंदर ला सकते हैं, लेकिन बहुत ही इतदाल के साथ। और उसके अंदर फिर यही कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा आपने जो फोकस है वो लहमियात पर रखना है, नशास्ता आपने कम खाना है और सैरशुदा चिकनाई बिल्कुल ही आपने कम कर देनी है। ठीक है जी। सो जनाब, मसले मसाइल क्या है साउथ बीच डाइट के साथ? सबसे पहला, सबसे बड़ा मसला ये है कि जी, साउथ बीच डाइट जब आप नशास्ता को बहुत ही कम कर देते हैं तो हमारे जिस्म में एक अमल शुरू हो जाता है जिसको कीटोसिस कहते हैं। कीटोन्स एक तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे जिस्म में तब पैदा होते हैं जब हम नशास्ता बहुत कम कर देते हैं और हमारे जिस्म को बहरहाल तवानाई की ज़रूरत तो होती है। सो वह तवानाई हासिल करने के लिए चिकनाई को तोड़ के उससे तवानाई करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से कीटोसिस का अमल हमारे जिस्म में स्टार्ट हो जाता है। और कीटोसिस जब स्टार्ट होता है तो उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हमारी सेहत के ऊपर मुज़र असरात होते हैं। मिसाल के तौर पे सर में दर्द रहना, हर वक्त थकावट का होना, फिर इसी तरह से हर वक्त ऊंघें आना, इसी तरह से हमारा जो मुंह है सांस है उससे बदबू आना शुरू हो जाती है। फिर जनाब इसके साथ ही जो मेंटल फटीग है, यानी जहनी तौर पर हम कोई प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, हमारा जहन भी हर वक्त जिस्म की तरह थका रहता है क्योंकि हमारे जहन को जो ताकत है वो सिर्फ और सिर्फ नशास्ता से, ग्लूकोज से मिलती है। जब हम नशास्ते का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर देते हैं तो ब्रेन किसी और, दिमाग किसी और चीज़ से ताकत हासिल नहीं कर सकता। तो जनाब इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा दिमाग भी हर वक्त थका थका रहता है और हमारी जो काम करने की सलाहियत है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। सो ऑल इन ऑल अगेन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि ये बिल्कुल भी काबिले इस्तेमाल डाइट नहीं है। साउथ बीच डाइट आपको नहीं करनी, बल्कि आपको हमेशा की तरह मैं जैसे कहता हूँ मॉडरेशन में, इतदाल में हर चीज़ का इस्तेमाल करना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, इसको दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, सो दैट बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो सके। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।